नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोने व्यवसायी से 30 केजी चांदी लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। टीएमबीयू के 63वें स्थापना दिवस पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सम्मान लेने से किया इनकार। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री ने की शिरकत। श्रावणी मेला के उद्घाटन में महज कुछ घंटे बचे हैं, शेष अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य तेज करने के दिए निर्देश। और चाना नदी के किनारे बोरी में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने बीते दिनों तिलकामांझी थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी से हुई चांदी लूटकांड की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इसको लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर एएसपी शुभम आर्य के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर छानबीन शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने इस लूटकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ने बताया कि बीते 24 जून की अहले सुबह कोयला डिपो बस स्टैंड के समीप बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी पवन कुमार वर्मा से 30 किलो चांदी और सामानों की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर आभूषण व्यवसायी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के पूरब टोला निवासी मोहम्मद सद्दाम उर्फ सोनू इशाकचक, थाना क्षेत्र के ब्रहपुरा निवासी मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल और जोगसर थाना क्षेत्र का आनंद यादव शामिल है। सिटी एसपी सुरभात ने कहा कि सभी गिरफ्तार आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जबकि बदमाशों ने लूटकांड की रकम आपस में बांटकर सभी सामान बेच देने की बात बताई है। साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। पहली घटना 24 जून को सोना चांदी के कारोबारी हैं पवन वर्मा जी, उनके साथ उनका 30 किलो चांदी लूट लिया गया था। इस घटना के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया एएसपी सिटी के नेतृत्व में। इसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 लोग दिखे थे बाइक पर सोना चांदी लूट कर जा रहे थे, उसमें से अपराधियों की पहचान की गई। उसमें से बीच वाला जो अपराधी है वो मोहम्मद सद्दाम है, इसकी उम्र 25 वर्ष है, ये मुजाहिदपुर थाने का रहने वाला है, पहले भी हत्या और मर्डर के केस में जेल जा चुका है। इससे और पूछताछ करने पर इसने अपने 4 सहयोगियों का नाम बताया, उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से एक मोहम्मद शहनवाज उर्फ सन्नी खटाल है जो इशाकचक थाने का रहने वाला है, और तीसरा अपराधी है आनंद यादव जो जोगसर थाने का रहने वाला है। सन्नी खटाल करीब 4 बार जेल जा चुका है, इस पर मर्डर लूट डकैती के काफ़ी कांड दर्ज पहले भी हो रखे हैं। आनंद यादव का भी काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, ये भी मर्डर और लूट जैसे कांडों में पहले जेल जा चुका है। इन लोगों से आगे पूछताछ करने पे सन्नी खटाल के पास से एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा गोली बरामद हुआ है और 90,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया गया। वहीं 63वें स्थापना दिवस पर टीएमबीयू प्रशासन की कार्यशैली ने नया इतिहास रच दिया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मियों ने जब टीएमबीयू की बदहाल स्थिति के विरोध में सम्मानित होने से इनकार कर दिया, तभी मंच पर बैठे टीएमबीयू के अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। बदहाल व्यवस्था के विरोध में प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे के सामने शिक्षक संघ के महासचिव प्रोफेसर जगधर मंडल और कर्मचारी संघ के महासचिव रंजीत कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रोफेसर जगधर मंडल ने कहा कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे स्टूडेंट्स और शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थिति बदहाल हो चुकी है, हम लोग दिशाहीन हो गए हैं, हजारों सर्टिफिकेट और फाइलें पेंडिंग हैं, लेकिन इन समस्याओं से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि गुरुवार को भूस्टा और शिक्षक संघ की बैठक होगी, जिसमें विश्वविद्यालय की दशा पर चर्चा होगी। साथ ही टीएमयू के गौरवशाली इतिहास को गर्त में जाने से बचाने का प्रयास किया जाएगा। प्रोफेसर जगधर मंडल ने अपनी बात रखते हुए मंचासीन अधिकारियों से इस्तीफा देने की मांग भी कर डाली। कहा कि जो अधिकारी सेवानिवृत्त कर्मी और छात्र छात्राओं की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं, उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सारा वाक्य मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे के समक्ष हुआ।
होगा। प्रमंडलीय आयुक्त से भी संघ ने आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालय की स्थिति से सरकार को अवगत कराएं। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 2 साल से वृहत स्तर पर नहीं मनाया जा रहा था। स्थापना दिवस समारोह में TMU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर शर्मेंद्र कुमार सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पूर्व VC प्रोफेसर नंद कुमार यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन परिसर स्थित अमर शहीद तिलकमांझी की प्रतिमा पर मल्यार्पण के साथ किया गया। इसके बाद कुल ध्वजारोहण हुआ। वहीं PG संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की प्रस्तुति दी। स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कुलसचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने स्वागत भाषण और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने संबोधन में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अस्थायी कुलपति को लाने और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। मौके पर अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सम्मानित करने के लिए उनका नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन अधिकांश कर्मी मंच पर सम्मान लेने ही नहीं आए। एक सूर में सबों ने अस्थायी कुलपति लाने और लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। धन्यवाद ज्ञापन DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल, CCDC प्रोफेसर KM सिंह, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर अभिषेक तुषार, मुरारी मिलन अरुण, मनीष सुदर्शन सोनू समेत कई शिक्षक कर्मी और स्टूडेंट्स मौजूद थे। सबसे पहले विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर मैं आप सभी को, पूरे विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय में आना, शिक्षा के मंदिर में आना आपके अनुभव होता है। मैं इसके लिए यहाँ के पदाधिकारीगण का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपके साथ संवाद करने का मौका दिया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये जो स्थापना दिवस होता है या व्यक्ति के रूप में किसी का जन्म दिवस होता है, उसी तरह से संस्था का स्थापना दिवस होता है। जो हमारे रिटायर कर्मी और शिक्षक है, आज 1.5 साल से पेंशन के लिए मुहताज है, फाइल वहां पड़ी है। कुछ फाइल जिस हालात पर मैंने मन से भी कहा कि कहाँ रूं, किससे रूं, जिसके पास रोने की यह है कि कहाँ जाएं, आप ऊपर ही कौन नहीं जानता है, मुख्यमंत्री नहीं जानते कि राज्यपाल नहीं जानते कि विश्वविद्यालय की क्या दुर्दशा, और वही लोग जिम्मेवार हैं तो किन के पास कहें। आप यहाँ रोते हैं, हमारा छात्र जो है उसी तरह जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय किसके लिए, छात्र के लिए, लेकिन छात्र को पढ़ाई नहीं है, परीक्षा की बात हमारी विश्वविद्यालय करती है, परीक्षा तो लेते जाओगे लेकिन वो डिग्री कहाँ, उसको बेचारा को डिग्री नहीं मिलता है, यदि भाग्य सौभाग्य से नौकरी मिलती है तो डिग्री के बिना उसकी नौकरी चली जा रही है। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस समारोह था। 12 जुलाई 1960 को यह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और उसी दिन को हम लोग अपनी स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। स्थापना दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि साल भर जो हमारी उपलब्धियां होती है उसे हम अपनी उपलब्धियां अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के बीच में चर्चा करते हैं। जो हमारे कर्मी रिटायर करते हैं उन्हें हम इस दिन सम्मानित करते हैं। जैसे आज के दिन 29 कर्मचारी जो है हमारे एक वर्ष में रिटायर किए थे, आज 29 कर्मचारियों का सम्मानित किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर मंगलवार को भागलपुर के नवगछिया स्थित श्री शिव शक्ति योगपीठ की ओर से बनारसी लाल सराफ वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान समारोह के उद्घाटनकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत कार्यक्रम में पहुंचे कई विद्वानों ने शिव शक्ति योगपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अगमानंद जी महाराज के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। बुधवार को गुरु पूर्णिमा है, जिसको लेकर आयोजित महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को हुई, जबकि इस
दौरान स्वामी आत्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु और गुरु भक्त शामिल हुए। जबकि इसके बाद कॉलेज परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया। इसके बाद स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने कहा कि महर्षि व्यास आदि गुरु है और गुरु पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित है। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान के बिना मनुष्य अज्ञानता रूपी अंधकार में भटकता रहता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और गुरु भक्ति एक संस्कार है जो व्यक्ति में पूर्वज और परिवार की ओर से आता है। साथ ही अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत में पूर्व से ही गुरु शिष्य की परंपरा रही है और वेदों पुराणों में भी गुरु महिमा की महत्ता को रेखांकित किया गया है। जबकि उनकी और तमाम गुरु भाइयों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन सबों को स्वामी आत्मानंद जी महाराज जैसे गुरु का सानिध्य मिला है। समारोह को विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रताप विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर उग्र मोहन शाह और TMBU के सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। महोत्सव में भजन गायक डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र और दीपक मिश्र और उनकी टीम के द्वारा गुरु भक्ति के कई गीत संगीत की प्रस्तुति दी गई। मौके पर कुंदन बाबा, सौरभ कुमार सोनू, गायक बलवीर सिंह बग्घा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल समेत काफी संख्या में गुरु भक्त और ग्रामीण मौजूद थे। व्यासदेव जी ने इसे उत्कर्ष प्रदान किया। व्यास में गुरुता है। आज व्यास जी का जन्म भी हुआ है और महाभारत का जो गुरु ग्रंथ तत्व है गीता, जो महाभारत में ग्रथित है, उसके लेखन का भी कुछ काल आज के ही दिन है। अंतिम दर्शन, छठा वेदांत दर्शन जो व्यास जी प्रणेता है जिसके, उसका भी निर्माण काल है। ये सुंदर समय है, कई कई संयोगों का व्यास जी में गुरुता है, गुरु तत्व से युक्त है। आज गुरु व्यास जी के जन्मोत्सव पर, गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु आत्मानंद जी महाराज के सानिध्य में आज हजारों भक्तों से मिले। इस प्रांगण में, बनारसी लाल सर्रा प्रांगण में भी जो भव्य स्वागत हुआ, और उन सब लोगों का मैं आभारी हूँ। आज गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का दिन है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के उद्घाटन में महज चंद घंटे शेष रह गए हैं। इसको लेकर अजगैबीनाथ गंगा घाट स्थित उद्घाटन स्थल और कच्ची कांवरिया पथ का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान BDO मनोज कुमार मुर्मू और थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने जहाज घाट में बने श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल, अजगैबीनाथ गंगा घाट और कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए PHED विभाग के द्वारा बनाए गए शौचालय एवं पानी की व्यवस्था की भी जानकारी ली। साथ ही कच्ची कांवरिया पथ में कांवरियों के लिए बने ठहराऊ स्थल का जायजा लेकर विभाग के अधिकारियों को जहाज घाट में बन रहे उद्घाटन स्थल की व्यवस्था दुरुस्त करने और ठहराऊ स्थल में बिजली पानी के साथ खराब पड़े चापाकल की जल्द मरम्मति का निर्देश BDO ने दिया। वहीं इस दौरान बाहर से आए अजगैबीनाथ धाम पहुंचे कांवरियों ने गंगा घाट में पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के साथ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी नहीं तैयार किए जाने की बात कही। इसके अलावा गंगा घाट के पास पेयजल और बिजली समेत कई प्रकार की परेशानी की भी बात कांवरियों ने कही। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी श्रावणी मेला की शुरुआत नहीं हुई है और यह देखना होगा कि 14 जुलाई को मेला के उद्घाटन के बाद कांवरियों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी दुरुस्त हो पाती है। आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बिजली की समस्या है क्षेत्र में, कब तक रहेगा? समस्या नहीं है, ये अचानक वाली प्रॉब्लम हो जा रही है। तो आज से, कल से लोगों को बिजली मिलने लगी? हाँ बिल्कुल, आज 9 बजे तक दोनों का समय चालू हो जाएगा। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चानन डवरिया नदी में एक बोरे से छत विक्षत शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं ग्रामीणों ने जब बोरे में शव को देखा तो इसकी सूचना जगदीशपुर पुलिस को दी, जिसके बाद जगदीशपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। बताया जा रहा है कि शव काफी सड़ जाने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन शव के गले में बंधी रस्सी एवं पैर में चप्पल को देखकर गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने की आशंका का जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भागलपुर बांका के विभाग से संयोजक कुणाल पांडे को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का विरोध सोशल मीडिया पर करने और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा विरोध किए जाने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में ज्ञानवापी मामले में भी टिप्पणी करने की बात लिखी गई है, जबकि पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस प्रकार से कन्हैया लाल को हम लोगों ने अल्लाह के पास भेजा है, उसी प्रकार तुम्हारा भी सर धड़ से अलग कर तुम्हें भी अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा। डाक द्वारा प्राप्त हुए पत्र में भेजने वाले ने अपना नाम इरफान खान और पता गुरहाटी माछीपुर लिखा है, जबकि धमकी भरे पत्र में कई तरह की धमकियों के साथ गजवाए हिंद भी लिखा है। वहीं इसको लेकर एबीपी के कुणाल पांडे ने सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात से मिलकर मामले की जानकारी देते हुए अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है, जबकि सिटी एसपी ने पत्र और आरोप की जांच कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। सिटी एसपी से हम लोग का मिलने का कारण था कि आज हम लोग अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पोस्टमैन पहुँचा और ये दो पेज का हमारे हाथ में चिट्ठी है जो कि मेरे परिवार के सामने मिला। और स्वाभाविक है कि किसी के परिवार के सामने किसी के मौत का चिट्ठी मिलेगा तो वो परिवार घबरा ही जाएगा। तो परिवार का कहना था कि परिवार के थ्रू और हमने थाना के पदाधिकारी को, अपने संबंधित थाना थे और यहाँ पर सिटी एसपी को और बड़ी पुलिस अधीक्षक को भी हमने भेज दिया है अपना ये लेटर लिख के। चिट्ठी में लिखा हुआ है कि ज्ञान व्यापी का समर्थन और कन्हैया कुमार का समर्थन करने पर, सोशल मीडिया पे हमने लिखा था कन्हैया कुमार की हत्या जो हुई उस पर निंदनीय, ये तो किसी की हत्या कहीं से जायज नहीं हो सकती है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र बीमा गांव में कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में तीन महिला समेत आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक पक्ष के गौरी शंकर सिंह, खगेश सिंह और बिहारी सिंह घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष की प्रभा देवी, महेश्वरी सिंह, अनिरुद्ध सिंह, राजकुमार सिंह और चंदा देवी को भी काफी चोट आई है, जिसके बाद दोनों पक्ष के घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को लेकर जख्मी गौरीशंकर सिंह ने बताया कि उनका बड़ा भाई बिहारी सिंह कंपोस्ट लेकर खेत की ओर जा रहा था, तभी कंपोस्ट की बोरी पट जाने के कारण कंपोस्ट जमीन पर गिरने लगा, जिससे आक्रोशित होकर राजकुमार सिंह की पत्नी चंदा देवी ने झाड़ू से बिहारी सिंह की पिटाई कर दी। गौरीशंकर सिंह ने कहा कि यह देखकर जब वे सभी बीच बचाव करने पहुंचे तो राजकुमार सिंह ने अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडा से प्रहार कर दिया, जिससे दूसरे पक्षी घायल चंदा देवी ने कहा कि गौरीशंकर सिंह के परिजन जबरन उसकी जमीन पर कूड़ा फेंक देते थे, इसका विरोध करने पर गौरीशंकर सिंह अपने परिजनों के साथ मिलकर लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। वही मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है, जबकि पुलिस ने प्राप्त आवेदन और घायलों के बयान के आधार पर मामले का अनुसंधान करने और दोषियों को सजा दिलाने
बनाने की बात कही है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे घर के सामने में आस्तन था, मैंने कि आस्तन फेंक रहा था, फेंक दिया है सर। हाँ, फेंक दिया है। उसके बाद? उसके बाद गौरी शंकर सिंह जो है ना, मेरी पत्नी को मारने लगा। गौरी शंकर सिंह, उसके बाद जो है ना, जैसे वो मारने के लिए थोड़ा हम लोग उधर आए तो हम जैसे छुड़ाने लगे सर, हम लोग को भी मार के गिरा दिया। मेन विवाद कूड़ा फेंकने का है। हाँ, कूड़ा फेंकने का। क्या चीज से मारा? मारा वो हथियार, इतना बड़ा डबिया है सर, डबिया लेके वो मारता है सर। बांका के धौरैया प्रखंड अंतर्गत प्रसिद्ध धनकुंड नाथ मंदिर में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। तैयारियों को लेकर धनकुंड मंदिर परिसर में प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा एक संयुक्त बैठक आयोजित कर श्रावणी मेला को लेकर मंदिर परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरा लगाने, श्रद्धालुओं और अन्य लोगों की गतिविधि पर नजर रखने, मंदिर कमेटी द्वारा हर सोमवार को 15 वॉलंटियर तैनात करने और प्रशासनिक स्तर पर होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सीओ हंसनाथ तिवारी, वीडियो अमर कुमार मिश्रा, राजस्व अधिकारी भाई वीरेंद्र, धनकुंड थानाध्यक्ष मंटू कुमार के अलावा कमेटी अध्यक्ष रेणु सिंह ने अपनी बात रखी। इस दौरान सीओ हंसनाथ तिवारी ने कहा कि श्रावणी मेला को लेकर धनकुंड नाथ मंदिर परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरा की मदद से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और अन्य लोगों पर नजर रखी जाएगी, जबकि प्रशासनिक स्तर पर होमगार्ड जवान के अलावा तमाम व्यवस्थाओं के संचालन के लिए प्रशासन के साथ मंदिर कमेटी और ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जाएगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोने व्यवसायी से 30 केजी चांदी लूटकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। टीएमबीयू के 63वें स्थापना दिवस पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सम्मान लेने से किया इनकार। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री ने की शिरकत। श्रावणी मेला के उद्घाटन में महज कुछ घंटे बचे हैं, शेष अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर कार्य तेज करने के दिए निर्देश। और चाना नदी के किनारे बोरी में मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।